हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि अगर पुलिस वाले फॉल्स रिपोर्ट लगाते हैं, अगर पुलिस वाले गलत रिपोर्ट लगा देते हैं तो हमारे पास क्या रेमेडीज़ है, हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है या कोई संज्ञेय अपराध होता है, संज्ञेय अपराध मतलब कोई गंभीर किस्म का अगर कोई अपराध होता है तो सबसे पहले FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होती है, फिर उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर करके 173 CRPC के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 2 में पुलिस रिपोर्ट लगाती है कोर्ट में, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट लगाती है जिसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। तो सपोज कर लीजिए कि अगर पुलिस वाले ने गलत रिपोर्ट लगा दी, भाई कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है जो सामने वाली पार्टी हो वो मजबूत पार्टी हो, या कोई पॉलिटिकल इशू हो या पॉलिटिकल दबाव हो जिसके तहत वो गलत रिपोर्ट लगा देती है, फॉल्स रिपोर्ट लगा देती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, तो पुलिस रिपोर्ट CRPC के सेक्शन 2R में पुलिस रिपोर्ट की डिफिनेशन दी गई है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स ये रिपोर्ट फॉरवर्ड बाई ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है कि वो रिपोर्ट सेक्शन 2R में दिया गया है, पुलिस रिपोर्ट की डिफिनेशन, कि जो 173 के सब सेक्शन 2 के तहत, CRPC के 173 के सब सेक्शन 2 के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजती है कोर्ट में, उसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है, पुलिस रिपोर्ट लगाती है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो सपोज कर लीजिए अगर पुलिस ने गलत रिपोर्ट लगा दी, भाई उसमें हो सकता है कि एक्यूज्ड को बचाने के लिए, अभियुक्त को बचाने के लिए, अभियुक्त की तरफ से हो सकता है उसको कुछ फ़ायदा हो गया हो पुलिस को, या कुछ पॉलिटिकल दबाव हो जिसके तहत वो गलत रिपोर्ट लगा दे, तब हमारे पास क्या रेमेडीज होगी। तो अगर पुलिस वाले ने गलत रिपोर्ट लगा दी है तो जो 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 जिसके खिलाफ पुलिस, अगर सपोज कर लीजिए पुलिस वाले ने गलत रिपोर्ट लगा दी है, तो हमारे पास क्या रेमेडीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर पुलिस वाले ने गलत रिपोर्ट लगाई है तो हम उस मजिस्ट्रेट के पास, जिस मजिस्ट्रेट में पुलिस ने गलत रिपोर्ट लगाई है, उस मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन दायर करेंगे, अपने वकील, कोई वकील कर लेंगे या खुद कोई वकील कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो किसी वकील के माध्यम से उस मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जिसमें ये लिखेंगे कि जज साहब ये बात है, लेकिन पुलिस वाले ने दुर्भावनापूर्ण के तरीके से फॉल्स रिपोर्ट लगाई है, गलत रिपोर्ट लगाई है, अतः आप जांच करके आगे कार्रवाई करने की कृपा करें। तो जब पुलिस की रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद जब एक एप्लीकेशन अगर जो देगा, जो एक एप्लीकेशन देगा, तो उसके तहत ये देखा जाएगा, जब पीड़ित व्यक्ति एप्लीकेशन देगा तो उसमें जज साहब जो है 190 CRPC के 190 के तहत उसको संज्ञान में लेंगे। उसके बाद अगर उन्हें लगेगा तो वो CRPC के सेक्शन 200 के तहत, CRPC के सेक्शन 200 के तहत जो पीड़ित व्यक्ति है और कोई अगर विटनेस है तो उसको शपथ पर उससे उसका बयान लेंगे। और उसके बावजूद भी अगर जज साहब को लग रहा है कि अभी मामला नहीं बन रहा है तो वो 202 के तहत इंक्वायरी करवा सकते हैं न्यायालय के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से जांच करवा सकते हैं। तो अगर उसके बाद अगर लगता है कि हाँ वास्तव में जो पीड़ित व्यक्ति है वो सही कह रहा है, वास्तव में पीड़ित व्यक्ति अगर सही कह रहा है, तो 204 के तहत फिर जो अभियुक्त है उसको आगे कार्रवाई करेंगे। 204 CRPC के सेक्शन 204 के तहत अभियुक्त को बुलाएंगे, सम्मन देंगे, वारंट निकालेंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि अगर पुलिस वालों ने फॉल्स रिपोर्ट लगा दिया है, तब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर पुलिस वालों ने फॉल्स रिपोर्ट लगा भी दी है,
तब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस मजिस्ट्रेट के पास पुलिस वाले ने फॉल्स रिपोर्ट लगाई है, उसी मजिस्ट्रेट के पास हम जो पीड़ित व्यक्ति है उनको चाहिए कि एक एप्लीकेशन दे दें और उसमें ये मांग करें कि जज साहब ये बात है और पुलिस वालों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त के अभियुक्त को बचाने का प्रयास कर रही है, तो जज साहब ये बात है, आप जांच करने की कृपा करें। तो उसके बाद पुलिस वाले 190 के तहत उसको संज्ञान में लेंगे मामले को। संज्ञान क्या होता है, जानकारी मिलेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, कोई मामला जैसे मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया तो इसका मतलब अब आगे कार्रवाई करेंगे, तो उसी तरह जज साहब उसको संज्ञान में लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई करते हैं। उसके बाद सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत जो पीड़ित व्यक्ति है या जो कोई विटनेस है उसको शपथ पर उनका बयान लेंगे, उसके बाद उनकी साइन होगी और उसके बाद अगर मामला बनता है तो आगे कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वो देखेंगे कि अगर थोड़ी जांच करवाने की आवश्यकता है तो जज साहब कोर्ट उसको जांच करने का भी आदेश दे सकती है। उसके बाद जांच में अगर लगता है कि मामला हाँ सही बात है तो उसके बाद 204 के तहत आगे कार्रवाई करेंगे, अभियुक्त को सम्मन वगैरह भेजेंगे, और अगर मामला नहीं बनेगा तो 203 के तहत उस वाद को रद्द कर देंगे। तो आपने देखा कि अगर आप के साथ कोई घटना घटी हो किसी के साथ, तो अगर सही से पुलिस वाले जांच नहीं किए हैं, पुलिस वालों ने फॉल्स रिपोर्ट लगा दी है, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। इस तरह आपको न्याय मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर पुलिस वालों ने फॉल्स रिपोर्ट लगाई है तब आप न्यायालय में जा करके एक एप्लीकेशन दे करके आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।